नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट। भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर की गई सीमित कार्रवाई के बाद से राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली समेत समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ गश्त तेज कर दी गई है। आपात स्थिति में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों, बम निष्क्रिय दस्तों और स्वात टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहा गया है। शहाबुद्दीन फिर जाएगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने की जमानत रद्द। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को करारा झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय से मिली की जमानत शुक्रवार को निरस्त कर दी। कोर्ट ने फिर तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेजने का बिहार सरकार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि मामले में सभी तथ्यों एवं रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद वह शहाबुद्दीन को जमानत पर रिहा करने से संबंधित पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दी। बिहार सरकार का शराबबंदी का फैसला रद्द। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना को शुक्रवार को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद ने यहां राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शराबबंदी से संबंधित 5 अप्रैल 2016 को जो अधिसूचना जारी की थी वह संविधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने कहा भारत और पाकिस्तान संयम बरतें। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दोनों परमाणु संपन्न देशों को संयम बरतने तथा किसी प्रकार की लड़ाई में परमाणु हथियारों का प्रयोग किए जाने की धमकी नहीं दिए जाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि यह स्पष्ट हो गया है कि उड़ी में सेना मुख्यालय पर हमला एक आतंकवादी हमला था और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सीरिया में पूर्वी अलेप्पो के संघर्ष में 338 लोगों की मौत। सीरिया के अलेप्पो के पूर्वी भाग की लड़ाई में पिछले कुछ सप्ताह में 338 व्यक्तियों की मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में 106 बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाई में 846 लोग घायल हो गए जिनमें 261 बच्चे थे। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।